हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ हम देखने वाले हैं आज स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, कौन सी मेथड से। कंटिन्यूस सब्स्ट्रैक्शन विधि, मतलब इसे कहते हैं बार बार घटाने वाली विधि। ठीक है, आज हम देखेंगे कंटिन्यूस सब्स्ट्रैक्शन मेथड, बार बार घटाने वाली विधि से किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम एक संख्या दी है 96। ठीक है, तो हम 96 से बार बार घटाने वाली विधि स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कंटिन्यूस सब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें हमें घटाना क्या पड़ता है, बार बार सारी विषम संख्याएँ एक से लेकर जो कंटिन्यूस चलती हैं वो संख्याएँ हमें घटानी पड़ती हैं इससे। चलिए देखते हैं, 96 माइनस 1 से स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 195। ओके, तो ये 195 आ गया। अब हम 195 को यहाँ लिखेंगे 195। ओके, उसके बाद हम इससे घटाएंगे 3। इसी तरीके से हमें घटाते हुए चलना है। ठीक है, 3 घटाने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 192। फिर 192 को यहाँ लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 187। ठीक है, 187 में से माइनस गया 7 इज इक्वल टू आएगा हमारा 180। 180 से माइनस करेंगे 9 इज इक्वल टू 171। अब 171 से माइनस करेंगे 11 तो आएगा हमारा 160। 160 से माइनस करेंगे 13 तो आएगा हमारा 147। 147 से माइनस करेंगे 15 तो आएगा 132। 132 से माइनस करेंगे 17 तो आएगा 115। 115 माइनस 19 करेंगे तो आएगा 96। 96 से माइनस 21 करेंगे तो आएगा हमारा 75। 75 से माइनस 23 करेंगे तो आएगा 52। 52 से माइनस 25 करेंगे तो आएगा 27। एंड लास्ट 27 में से 27 माइनस होगा तो आएगा 0। ओके, तो हमें 0 लाना है आंसर में। यहाँ लास्ट जो भी हमारा आएगा वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो हमें 14 बार मिल गए हैं यहाँ पर, हमने 14 बार इसको माइनस किया है। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि ये है 14 का स्क्वायर। ओके, ये आंसर है हमारा 14 टाइम्स। हमें माइनस करते हुए लाना है पूरी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स माइनस करेंगे उस संख्या में से और लास्ट में हमें 0 मिलेगा। चलिए एक को ट्राई करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं। 100 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 99। ओके, 99 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 96। 96 माइनस 5 इज इक्वल टू होता है 91। 91 माइनस 7 इज इक्वल टू होता है 84। 84 माइनस 9 इज इक्वल टू 75। 75 माइनस 11 इज इक्वल टू 64। 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51। 51 माइनस 15 इज इक्वल टू 36। 36 माइनस 17 इज इक्वल टू 19। एंड 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर ऑफ 10। ये तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस सब्स्ट्रैक्शन मेथड है जिसके द्वारा हमने 100 का और
196 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे इसे।